हेलो दोस्तों। तो आज हम बना रहे हैं ओरियो बिस्किट की पुडिंग। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10-10 रुपए वाले 4 ओरियो बिस्किट लिए हुए हैं, और इसके अंदर की जो क्रीम है ये वाइट वाला है। ये चूंकि 2 फ्लेवर में आता है, एक ब्राउन में आता है और एक वाइट में, तो हम यहाँ पे वाइट वाला ले रहे हैं। आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो इनके अंदर की हमको क्रीम जो है बहुत अच्छे से निकालना है, इसे तोड़ना मरोड़ना नहीं है। अगर आपकी जो क्रीम है ये मेल्टेड टाइप की हो रही है तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिएगा, उसके बाद निकालिए तो पूरी एकदम गोल गोल अच्छे से निकलेगी। इसका यूज हमें लास्ट में करना है, मतलब सबसे स्टार्टिंग में से सबसे ऊपर, पुडिंग के सबसे ऊपर में हमें इसे डेकोरेशन के काम में लेना है। तो हमने सारे बिस्किट के अंदर से क्रीम निकाल ली है, उसके बाद में हम सभी बिस्किट को अच्छे से कूट लेंगे, क्रम्बल कर लेंगे। इसका एकदम दरदरा सा बुरादा टाइप का बनाना है हमको, इसका ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं तैयार करना है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर बटर लिया हुआ है 4 चम्मच, इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये बटर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें फैट की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हमने इसकी क्रीम निकाल ली है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर ट्रोपलाइट कंपनी की 1 कप क्रीम ली हुई है, व्हिपिंग क्रीम। इस क्रीम को हमें अच्छे से फेंटना है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक, अच्छे से सॉफ्ट पीक आने तक। तो ये देखिए हमारी जो क्रीम है इसके अंदर अच्छे से सॉफ्ट से पीक आने लगे हैं। कुछ इसी तरीके की कंसिस्टेंसी वाली हमें क्रीम चाहिए पुडिंग के लिए, हमें उसकी हार्ड पिक नहीं लाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये केक टिन ही ले लिया है, मेरे पास इसी टाइप का था, तो ये एल्यूमिनियम वाला है, मैं इसमें अधिकतर केक बनाती हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले वही पाउडर डालेंगे बिस्किट का, इसकी हम एक अच्छे से थिक सी लेयर तैयार कर लेंगे, अच्छे से दबा दबा के पूरा चारों तरफ कॉर्नर में पूरा एक लेयर बराबर सा फ्लैट टाइप का करना है, अच्छे से दबा दबा कर करेंगे। इसके बाद में हमने जो क्रीम फेंटी हुई है ये सारी क्रीम हम इसमें डाल देंगे, पूरी 1 कप की क्रीम। इसमें हमें कुछ भी बचाना नहीं है। अगर आपको इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो आप इसमें चॉकलेट क्रम्स भी डाल सकते हैं, जिससे कि ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन मैं आज प्लेन ही बना रही हूँ। और उसके बाद में ये जो क्रीम है इसे भी हमें एक स्पेचुला की मदद से अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद हम हमारे पास जो बचा हुआ बिस्किट का पाउडर है इसे हम डाल देंगे। और मेरा अचानक कैमरा बंद हो गया, जिसकी वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया यहाँ का। बाकी मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसका पाउडर इसके ऊपर, इस क्रीम के ऊपर डाला है हाथों की मदद से। और यहाँ पे हमें हल्के हाथों से इसे फ्लैट करना है, ज़्यादा हमको इसमें दबाना नहीं, नहीं तो क्रीम में हमारा हाथ गंदा हो सकता है। इसके बाद में हमने जो क्रीम बचा के रखी हुई थी ये गोल गोल, इसे हम अच्छे से इसके चारों तरफ अच्छे से हम लगा देंगे, एक के बाद एक ऐसे लाइन से, जिससे कि हमारी जो पुडिंग है ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। उसके बाद मेरी बेटी जेम्स खा रही थी तो बोलती है, मम्मा मैं जेम्स रख दूँ यहाँ पे? तो फिर मैंने बोला ठीक है बेटा, लाइए मुझे ही दे दीजिए, मैं ही रख देती हूँ उसमें जेम्स, कुछ इस तरीके से। तो ये पुडिंग और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा चॉकलेट सिरप डाल दिया है, जिससे इसका और भी ज़्यादा चॉकलेटी सा फ्लेवर आ जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये पुडिंग की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।